एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल सो स्टाइल योर स्पेस विद रुचि के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टाइटल से क्या समझ रहे होंगे कि आज का वीडियो क्या है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना किचन मेकओवर। आई थिंक अगर आपने मेरे बाकी के पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं इस घर के, जो की बेडरूम मेकओवर हो गया, लिविंग रूम मेकओवर हो गया एंड सेकेंड बेडरूम मेकओवर राजस्थानी थीम वाला, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वो चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज आप मेरे जो चैनल है उसमें एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टाइल योर स्पेस विद रुचि, उसमें सारे मेकओवर्स डले हुए हैं अब तक के जितने भी मैंने मेकओवर्स करे हुए हैं, आप उसमें जाकर के मेरे मेकओवर वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सबसे लास्ट पार्ट था किचन का, तो फाइनली आज हमारा सारा जो भी मेकओवर है इस घर का वो कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ, डिस्क्लेमर्स दे देती हूँ कि क्या है कैसा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली किचन मेकओवर से। तो ये है हम लोगों का ओल्ड किचन। ये एग्जैक्टली जो पेंट होने से पहले उसकी क्लिपिंग नहीं है, ये पेंट हो चुका था। तो यहाँ पर वॉल्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा सीलन आ गई थी, तो इसलिए मेरे फादर इन लॉ ने ऑयल पेंट करा दिया था, जो डेफिनेटली थोड़ा ब्लू टिंट बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर मैं वॉलपेपर स्टिक करूँगी, क्योंकि मुझे ये जो इफ़ेक्ट है ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये ब्रिक स्टाइल वॉलपेपर मैंने अमेजन से मंगवाए थे एंड मैंने 3 बंडल्स मंगवाए थे एंड एट दी एंड ये 3 बंडल भी कम पड़ गए थे, थोड़ी सी जगह रह गई थी। वैसे तो पूरा कवर हो गया था मेन एरिया, तो ये मेजर करके मैंने पूरे वॉल पे जो ये वॉलपेपर है ये अच्छे से स्टिक कर दिया था एंड बहुत अच्छी तरीके से स्टिक है अभी भी, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स भी ये एग्जैक्टली वैसे ही है। जबकि अब हम लोग थोड़ा बहुत गैस वगैरह भी ऑन करते हैं तो, एंड इस वाली जो पीछे वाली वॉल है यहाँ पर वेस्ट फेसिंग है तो इधर पे सनलाइट भी काफ़ी आती है, तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि निकल गया हो हीट की वजह से। इट्स क्वाइट गुड, क्वालिटी वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छी थी और लगाने में भी बहुत ईजीली लग रहा था। ये यहाँ पर मैं विक्की की हेल्प ले रही हूँ वॉल शेल्फ्स लगवाने के लिए, और इस साइड में पूरा कम्प्लीट हो चुका है, इस तरफ का बच गया है तो वो भी मैं अभी जस्ट कम्प्लीट कर दूँगी। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द किचन, ऑब्वियसली हॉल से आपने देख ही लिया होगा लिविंग रूम वाले में कि यहाँ से किचन स्टार्ट होता है एंड इसके सामने एक और गेट है जिससे बाहर का जो ओपन एरिया है वो आता है, वो भी मैं अभी आपको किचन मेकओवर में ही इंक्लूड कर दूंगी बिकॉज उसमें मैंने कुछ किया नहीं है। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिज रखा हुआ है एंड हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर एक बड़ी सी अलमीरा है जिसको एक बड़ा सा स्टोरेज स्पेस है जिसको अगेन हमने वुडवर्क के थ्रू कवर करवा दिया है। ये पहले ओपन था, आपने बिफोर वाले उसमें देख ही लिया होगा। ओके सो लेट मी शो यू दिस स्टोरेज के अंदर क्या है। तो बहुत अच्छे से तो ऑर्गेनाइज नहीं करी है, अभी नॉर्मली जैसे बेसिक ऑर्गेनाइजेशन होता है मैंने बिल्कुल वैसे ही करा है, तो इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है एंड इसके ऊपर भी स्टोरेज है जिसमें थोड़ा जो काम का सामान नहीं है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पर स्टोर कर दिया है। सो दिस इज अ गैस प्लेटफॉर्म जो हमने यहाँ पर स्टव रख दिया है, अभी तक ये वर्किंग नहीं है और इस प्लेटफॉर्म को बाकी का एकदम खाली रखा हुआ है मैंने। और ये जो हालत है यहाँ पर इस तरीके की बॉर्डर थी जो कि बॉर्डर पूरी तोड़ दी गई है वाया टेनेंट्स के थ्रू, तो अब इसको तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसका कुछ भी DIY नहीं कर सकती हूँ मैं बिकॉज ऑब्वियसली तो ये पूरा, इसलिए ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है बट ठीक है हम इसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है एक बड़ी सी विंडो, तो ये जो मसाले का सारे बॉक्सेस हैं वो इसके अंदर रख दिए हैं जो डेली के यूज होते हैं लाइक हल्दी वल्दी एंड ये सारी चीज़ें। एक्चुअली इनको क्लीन करने में इन सबके ऊपर के जो लेबल्स थे वो रब हो चुके हैं तो उनको मैं फिर से लिख दूंगी, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो प्लीज़ अवॉइड इट, आई नो दैट मुझे उन पर लिखना है सब पे। हम लोगों ने जब वुडवर्क हो रहा था तो ऐसे ही छोटा सा बेसिक सा बनवा लिया था सो दैट यू नो पानी वानी क्लीन करना हो तो उसके लिए, एंड ये यहाँ पर एक होल बनवाया है ताकि इसके अंदर से जो गैस की पाइपलाइन रहेगी वो जाएगी। साइड में अगेन यही इसी तरीके का एक और शेल्फ है जो कि 2 टायर शेल्फ है, इसमें भी बेसिक कॉफ़ी वॉफी का सामान में यूज़ होता है वो सब यहाँ पर रख दिया है। ऊपर वाले इसमें थोड़े से गरम मसाले रखे हुए हैं और ऑयल रखा है, अभी घी वगैरह सब रखना है। एज आई टोल्ड यू कि दिस किचन इज़ नॉट फंक्शनल येट, तो वो सब बेसिक सामान अभी कुछ कुछ है भी नहीं। अब आते हैं यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में, तो आई एम श्योर ये शेल्फ आप लोगों को पता होगा जो हमारा जब हम फर्स्ट 1 BHK में रहते थे तब ये शेल्स
तब से यूज करती आ रही हूँ मैं इनको. तो ये तब हॉल में लिविंग रूम में यूज करी थी. फिर उसके बाद जब हम अभी नए घर में शिफ्ट हुए थे जो 2BHK वाला था, उसमें हम लोगों ने ये एज ए वन, मतलब इन दो शेल्फ्स को वन एज अ वन शेल्फ में कन्वर्ट कर दिया था, तब यूज करी थी डाइनिंग एरिया के पास में. और अभी हम लोगों ने इसको किचन में लगा दिया है. किचन वाले जो दोनों व्हाइट शेल्फ्स थे उनको मैंने अपने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया है, जस्ट टू गिव थोड़ा चेंज लुक करने के लिए. तो यहाँ पर ऐसे दो शेल्फ्स लगाए हैं. जो तीन आपको कंटेनर्स दिख रहे हैं वो मैंने चुंबक से लिए थे, ऑनलाइन इनकी लिंक मैं डाल दूंगी तीनों की. अभी कुछ भी उनमें भरा है वो खाली है, सिर्फ डेकोर के लिए रखे हुए हैं. और उसके साइड में ऐसे एक फ्लावर रख दिया है जस्ट टू ऐड कलर्स. और उसके साइड में जो ये कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं सिरेमिक वाले, ये काफी कॉमन से कंटेनर्स हैं. तो ये जो आपको रॉड दिख रहे हैं ये मैंने अमेजन से मंगवाई थी, आइकिया या होम सेंटर मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट कहीं की तो है ये. एंड ये काफ़ी अच्छी रॉड है, मतलब आप काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है. तो आप देखिए इसने, ये जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजर मंगवाया था होम सेंटर का, ये स्टील का है एंड इट्स वेरी वेरी स्टर्डी. तो यहाँ पर मैंने अपने तीन कप्स रख दिए हैं. वी बोथ आर नॉट अ कॉफी लवर और अ चाय लवर, तो हम लोग ये सब ज्यादा पीते नहीं है, तो ज्यादा कप्स हमारे पास है भी नहीं. तो ये दो तीन जो डेकोरेटिव कप्स हैं उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है. और यहाँ पर ही सिंक है. अब आते हैं उसके साइड में. तो सेम शेल्फ, वॉल शेल्फ जो यहाँ लगाई है वो एक यहाँ पर लगा दी है. इसका कोई मेन पर्पज नहीं है, बस ऐसी डेकोरेशन पर्पज से मैंने यहाँ पर लगा दी है. वहां पर अगेन एक मनी प्लांट ऐड कर दिया है. और ये वाला जो DIY है ये आप मेरे लास्ट किचन में देख सकते हैं, काफी सिंपल सा है. साइड की अब स्टोरी ये है कि जिस दिन मैं ये पूरा वॉलपेपर लगा रही थी, ये मेरा वॉलपेपर खत्म हो गया था. एंड थैंकफुली कि कम से कम वो इतना लगाने के बाद खत्म हुआ है, तो सिर्फ ये वाला जो टाइल्स है ना, इस टाइल्स वाला पार्ट रह गया है. हालांकि मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिया है बट उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला लगाने का, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है. एक्चुअली वो कॉर्नर में भी है ना, तो एकदम फोकस में भी नहीं आ रहा है. बट ये उस दिन की बात है. उसके जस्ट नेक्स्ट डे मम्मी हॉस्पिटलाइज हम लेकर के गए थे, ये उसके जस्ट एक दिन पहले की बात है. तो वो फिर रह ही गया. पर हम लोगों ने हमारा वाटर फिल्टर रख के रखा है. दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर, ये मुंबई से हमारे पास चल रहा है. एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फिल्टर भी है हम लोगों के पास जो RO वाला होता है एक्वा, बट अभी जब तक ये चल रहा है वो काफी बल्की सा है. एंड यहाँ पर ना पूरा वो जो वाटर पाइप वगैरह होता है थोड़ा डिस्टर्ब कर देता, तो इसलिए मैंने कहा जब तक ये चल रहा है तब तक इसको यूज कर लें. माइक्रोवेव स्टैंड है जो आपने उस पुराने घर में भी देखा होगा, काफी टाइम से है मेरे पास. तो इसको हमने क्या किया, जो हार्डवेयर वाले होते हैं उनसे बोल करके इसमें लेग लगवा दिए हैं, जिसमें अभी तक मैंने पेंट भी नहीं किया है. ये एज इट इज ही है, तो उसमें पेंट कर देंगे तो थोड़ा सिमेट्रिक लगने लगेगा. तो लेग लगवा दिए हैं. तो अगर ये मैं यहाँ रखती ना तो किचन बहुत भरा भरा लगने लगता, तो इसलिए यहाँ पर रखने के लिए हमने लेग लगवा दिए. ये हमारा माइक्रोवेव है, उसके ऊपर ये हम लोगों का फूड प्रोसेसर है, और ये स्लो जूसर है जो कि नया अभी ऐड हुआ है मेरे किचन में. बाकी जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है जैसे मिनी चॉपर वगैरह यहाँ रख दिया है, और जो यूज नहीं होते हैं वो सब हमने वो जो स्टोरेज यूनिट है उसमें रख दिया है. देन यहाँ पर हमारे यूटेंसिल्स, जो सब्जी वब्जी बनाने के खर्चे वर्चे होते हैं वो सब यहाँ रखे हुए हैं. और उसके नीचे यहाँ पर हम लोग अनियन एंड पोटैटो एंड अनियन के लिए हमने दो शेल्व्स छोड़ दिया है. उसके बाद यहाँ पर ऐसी जस्ट रैंडमली ऐसे बॉक्स रख दिए हैं. और फिर हम आ गए हैं वापस से हमारे फ्रिज वाले सेक्शन में. तो ये नीचे इस तरीके से तीन ड्रॉर्स बने हुए हैं, जो सबसे फर्स्ट है उसमें यहाँ ऐसे बेसिक हम लोगों के पता नहीं कितने साल पुराने कप्स रखे हुए हैं, ग्लासेस एंड ऐसे कटोरी वटोरी और ये सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया है. उसके बाद यहाँ नीचे हमारा पूरा जो भी स्टील कलेक्शन है, कुकिंग वुकिंग वाले कढ़ाइयाँ जो हैं, उसमें से भी बड़ी कढ़ाई हमने उसमें रख दी है. जो सबसे ज़्यादा कढ़ाई यूज़ होती है वो यहाँ पे रख दिया है. हम लोगों का नीचे वाला शेल्फ है, प्लेट्स हैं और तवे वगैरह रखे हुए हैं. तो अब हम आते हैं यहाँ बाहर वाले एरिया में. वैसे तो अंधेरा हो चुका है क्योंकि मैं जब से शूट कर रही हूँ होते होते शाम हो गई है, बट मैं लाइट साइट्स ऑन करके आपको दिखा देती हूँ. एकदम बेसिक सा है. दिस इज द लॉबी एरिया और टॉयलेट. तो यहाँ पर हम लोगों का जो प्लांटर स्टैंड था वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है, और वही सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जो हमारे पास स्टैंड थे वो यहाँ रख दिए हैं. और उसके बाद ये कपड़े डालने वाली जो रैक है वो इधर बाहर आ गई है. उसके बाद ये जो वर्किंग स्टेयर है उसको यहाँ लगा दिया है, और इसमें ये जो आयरन वाले प्लांटर्स हैं वो लग दिए हैं. तो कुछ प्लांट्स डेफिनेटली डेड हुए हैं, ख़राब हुए हैं, बट काफ़ी सारे वही चल रहे हैं. तो ये अगेन जो हमारा AC है उसका वेंट रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक AC इंस्टॉल नहीं करवाया है. कि जो
भी अभी तक हम लोगों ने पूरे घर में करवाया है. सो जो इतनी बड़े साइज की हमारी यहाँ पे स्टोरेज यूनिट है वो, उसके बाद 3 हम लोगों ने ट्रॉलीज लगवाई हैं, जो ड्रॉर्स होते हैं ना ओपन होने वाले वो लगवाए हैं. उसके बाद यहाँ किचन में नीचे पूरा वुडवर्क हुआ है. उसके बाद हमारे बेडरूम का मिला करके, देन जो हमारा एक और सेकेंड रूम है उसका मिला करके टोटल वी पेड आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 98 तक था, 97-98 समथिंग कुछ था. जितने हमने बात करे उनमें से तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे. तो ओके गाइस, जो लैमिनेशन यूज़ करवाया गया है, जो प्लाई यूज़ किया है वो ग्लॉसी फिनिश में है, वाइट कलर में, और साथ में सेमी वाटरप्रूफ है. तो इसका उन्होंने गारंटी लिया था 15 इयर्स का कि इसमें कुछ भी नहीं होगा. तो और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हमको पड़ा था, मतलब जितने भी लोगों से हमने पता किया था सब हमको मतलब 1.5-1.6 ऐसे हमको कोटेशंस मिला था. सिर्फ ये थे जो 1 के अंदर ही हो गया था हमारा. That's it for my video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button. Subscribe to my channel and comment down below. Aur main milti hu aapko mere next video mein. Till then, bye.